तो कहता है क्वेश्चन बनता है एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता, इन इंग्लिश में कहते हैं 165 भाई, अनुच्छेद 165 सब बताया जा रहा है। जब भी 76 पढ़िए तुरंत आपका महा ये भी पढ़ लेना महाधिवक्ता। देखिए महाधिवक्ता के बारे में थोड़ा नियम देखिए आपका किसी राज 165 में है और नहीं पढ़ना जितना पढ़ा दिया गया पर्याप्त, इससे बाहर कहाँ था। 165 में भाई महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल, देखिए आप ध्यान से देखिए सेम नियम है बस एक तो अंतर आएगा और कोई अंतर। महाधिवक्ता किसी राज्य का सबसे बड़ा सरकारी वकील होता है, जबकि राज्य का सबसे बड़ा अधिवक्ता राज्य सरकार का हेड कहिए अधिवक्ताओं में कौन होता है एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, तो नियुक्ति कौन करता है राज्यपाल, और राज्यपाल जब चाहे जैसे महान्यायवादी को राष्ट्रपति जब चाहे निपटा दे यानी कि पद से हटा दे, तो महाधिवक्ता को कौन पद से जब चाहे हटा दे आपका राज्यपाल। ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, राज्य के सबसे बड़े विधि अधिकारी हैं, याद रखे कौन महाधिवक्ता। इसे राज्य के कैबिनेट मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त होता है, यानी कि किसका दर्जा प्राप्त होता है कैबिनेट मंत्री। ये विधानसभा और विधान परिषद, संसद में नहीं विधानसभा और विधानसभा परिषद की बैठकों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, अपनी बात रख सकता है, लेकिन एक काम नहीं कर सकता कौन, वोट देने या मत देने का हकदार नहीं। ये याद रखिए, ये जरूर याद रखिए कौन सा ऐसा पदाधिकारी है, तो केंद्र में कौन था महान्यायवादी और राज्य में महाधिवक्ता को पारिश्रमिक मिलता है, तो महान्यायवादी को भी तो पारिश्रमिक मिलता था, कौन निर्धारित करता था राष्ट्रपति, तो यहाँ कौन निर्धारित करेंगे राज्यपाल, कौन निर्धारित करेंगे। और राज्यपाल अगर तो किसी से विधिक सलाह लेना चाहे, राज्य सरकार लेनी चाहे, तो किससे ले सकती है महाधिवक्ता से, और महाधिवक्ता को किसी भी न्यायालय में सरकार की ओर से बिना किसी वकालतनामा के बहस करने का हक होगा। सुप्रीम कोर्ट तक यहाँ के महाधिवक्ता पहुँच जाते हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष अच्छे तरीके से क्या किया जाए, हाई कोर्ट में तो रखते ही हैं, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। तो याद रखिए महाधिवक्ता का पद भले अस्थाई हो, लेकिन शुद्ध रूप से मैं बता दूं, राजनैतिक रूप से जो व्यक्ति आपका राजनीति के करीब होता है वही महाधिवक्ता बनाया जाता है, और अच्छा आदमी बन जाएगा तो सरकार की गलत नीतियों का क्या करेगा विरोध, और या तो इस्तीफा दे दे या सरकार बर्खास्त कर दे। बने थे एसपी गुप्ता बने थे ही, और उन्होंने सरकार गलत काम कर रही थी और उन्होंने विरोध किया और खुद ही इस्तीफा देकर क्या हो गए हल, और कहे कि भाई सरकार के इन गलत कार्यों में मैं भागी नहीं बन। तो यानी कि इसको भाई किसके प्रसाद पर्यंत ये काम करते हैं महाधिवक्ता राज्य। तो जो नियम आपका महान्यायवादी का कहाँ है संघ में, वही नियम आपका लगभग महाधिवक्ता का कहाँ है राज्य। बस एक पॉइंट याद रखें, इनको पारिश्रमिक मिलता है और सदन की राज्य के सदन में भाषण दे सकते हैं, लेकिन वोट देने का हक और इसका स्तर आपका राज्य के कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। अब आइए एक दो और छोटी छोटी संस्थाएं हैं, जैसे आपका एनडीसी राष्ट्रीय विकास पद, इससे भी कभी का एक क्वेश्चन बन सकता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी, एनडीसी नेशनल आपका अनुच्छेद में नहीं भाई है, राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल।
अनुच्छेद में नहीं है, यह अनुच्छेद से बाहर पढ़ाया जा रहा है, कुछ छोटी छोटी संस्थाओं को निपटा दिया जाए। देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है आपका, राष्ट्रीय विकास परिषद एक है संवैधानिक संस्था, गैर संवैधानिक संस्था, तो पहला क्वेश्चन आया कैसी संस्था है। देखिए अब इसको थोड़ा दिमाग में बैठा लीजिए, जिन संस्थाओं का उल्लेख हमारे संविधान में वह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो संवैधानिक संस्था कहलाएगी, और जिनका उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है वह कौन सी संस्था कहलाएगी, आपका गैर संवैधानिक संस्था। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जिसका उल्लेख हमारे संविधान में, तो आखिर एनडीसी का उल्लेख संविधान में नहीं है तो इसकी रचना, इसका गठन कैसे किया गया, इसका कार्य क्या है, इसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। दूसरा पॉइंट इसे सुपर कैबिनेट कहते हैं, आपका ये पूछ सकता भाई सुपर कैबिनेट कौन होती है, तो एनडीसी। अब देखिए एनडीसी करते क्या है, जो भाई इसका कार्य समझिए तब गठन बताते हैं, जो नीति आयोग जो योजना बनाता है तो साल में एक बार एनडीसी की बैठक होती है राष्ट्रीय विकास परिषद। इस बैठक इस एनडीसी का प्रदेश अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है, पहला नियम आपका प्रदेश मतलब ये हुआ एक्स ऑफिशियो, प्रदेश का मतलब क्या हुआ जैसे कि भारत का उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का पदेन क्या होता है सभापति, उसी प्रकार आपका भारत का पीएम जो आपका होगा वह राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन क्या होगा। इसके जो मेंबर होते हैं जितने राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री मेंबर होते हैं और संघ शासित प्रदेशों के प्रशासक, याद रखिए, और सारे कैबिनेट जितने कर मंत्री हैं संघ में, नीति आयोग के सदस्य अध्यक्ष उपाध्यक्ष ये भी इनके मेंबर होते हैं और सारे मंत्री भी होते हैं। नीति आयोग अब यूं आयोग नहीं रहा, क्या हो गया नीति आयोग, जो पॉलिसी बनाता है उस पॉलिसी को एनडीसी में रखा जाता है और एनडीसी उसको अंतिम रूप देती है और तब उन पॉलिसियों को लागू किया जाता है। बस एक काम नहीं हो सकता कि एनडीसी की परामर्श को मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं, यानी कि लाली पाप के होता है ये क्या दिया गया, और जब सरकार बाध्य ही नहीं है तो क्या मतलब सरकार एनडीसी के प्रस्ताव को माने न माने, तो जब बैठक होती है तो खूब खींचा तानी और कुछ नहीं होता भाई, ममता बनर्जी अपना 56 इंच का सीना दिखाएंगे और मोदी जी अपना, दोनों लोग हाथ नमस्ते करेंगे, नमस्ते इंडिया शुरू, और जाके गाली गलौज चुनाव में करेंगे, देखिए रहे। तो बस आपका इसका गठन कैबिनेट के एक संस्तुति पर किया गया, याद रखिए इसका गठन आपका कैबिनेट की संस्तुति पर किया गया, कोई कानून वानून नहीं, कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया और एनडीसी का क्या हो गया गठन लिखवा देंगे। मुख्य रूप से आपका पूछ सकता है सुपर कैबिनेट, तो सुपर कैबिनेट क्यों कही जाती है, क्योंकि नीति आयोग द्वारा जो प्रपोजल तैयार है उसको ये क्या करती है अंतिम रूप देती है पास करती है, लेकिन वही समस्या की सरकार मानने के लिए बात, तो कल इसको लिखवाया जाएगा। देखिए कल भाई नया कल आपका